हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि बिजी सॉफ्टवेयर में कैसे कोटेशन को इनेबल करें और कैसे उसका यूज करें, कैसे हम उसका प्रिंट आउट निकालें और फिर उस कोटेशन को कैसे हम एडिट करें, कैसे डिलीट करें। तो ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में आप जानने वाले डिटेल में, तो बने रहे मेरे इस वीडियो के साथ। और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और भी आपको आने वाले टाइम पे मिलती रहे। और दोस्तों सॉफ्टवेयर बाय करना है या कस्टमाइजेशन सर्विसेज लेनी है तो दिए गए नंबर पर हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए क्या करना है आपको, एडमिनिस्ट्रेटर के मेनू पे सबसे पहले आपको जाना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ट्रांजेक्शन पे। जैसे अगर हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे कोई कोटेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है, सेल ट्रांजेक्शन, पेमेंट रिसिप्ट, जनरल प्रोडक्शन, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं पर कोटेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हमें कोटेशन के ऑप्शन को इनेबल करना होगा। कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेटर पे जाना है आपको और उसके बाद जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नजर आ रहा है कॉन्फ़िगरेशंस, आपको इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं फीचर एंड ऑप्शन, आपको फीचर एंड ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे जो एक ऑप्शन नजर आएगा आपको इन्वेंटरी, आपको यहाँ पे क्लिक करना है उसके बाद। और यहाँ पे फिर आपको करना है सेल कोटेशन, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे इनेबल सेल कोटेशन, आपको इस पे टिक करना है और इस वाले ऑप्शन को ओके। और यहाँ जो नीचे बटन देख पा रहे हैं सेव का, आपको इस पे सेव पे क्लिक करना है। यहाँ से आपका क्या है कोटेशन इनेबल हो गया। अब मैं इसको स्केप करता हूँ, अब ट्रांजेक्शन में जाता हूँ तो देखिए सबसे पहला ही ऑप्शन आपको नजर आ रहा है कोटेशन, कोटेशन आपका यहाँ पे इनेबल हो चुका है। अब आपको इस पे क्लिक करना है या एंटर करना है और यहाँ पे तीन ऑप्शन नजर आएंगे। ऐड का मतलब आपको क्लियर होगा कि कोई भी नया कोटेशन आपको बनाना है, मॉडिफाई का मतलब है कि जो कोटेशन बन चुके हैं उसके अंदर कोई करेक्शंस करनी है, और लिस्ट का मतलब है कि जो भी कोटेशंस आपने बना दिए उन सबकी एक जो है लिस्ट आपको डेट वाइज आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आप जो है यहाँ पे समझते हैं कि कोटेशन को बनाते कैसे, नया कैसे कोटेशन आपको जनरेट करना है। तो ऐड पे आपको क्लिक करना है, एंटर करना है, सबसे पहला कोटेशन हमारे यहाँ पे जनरेट होने जा रहा है। और यहाँ पे आपको लेना है आइटम, मतलब जो सेल टाइप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो लिखा हुआ आ रहा है हमारे सामने, यहाँ पे आपको टाइप करना है आइटम। आइटम से क्या होगा, जो आइटम टैक्स होते हैं, जो भी आइटम में आपने टैक्स डाला होगा, किसी आइटम पे 12 है, 18 है, किसी पे 5 है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फिर जो है मॉड्यूल पूरा वर्क करता है। तो अब यहाँ पे बस आपको सिलेक्शन करना है कि जिसके लिए आप कोटेशन बना रहे हैं वो पार्टी आपकी दिल्ली की है, मान लो जो लोकल पार्टी है, मतलब जो आपकी कंपनी बनी हुई दिल्ली लोकेशन पे बनी हुई है, और अगर वो पार्टी भी आपकी दिल्ली की है तो ये लोकल पार्टी हो गई। और अगर पार्टी आपकी बाहर की है, मान लीजिए पार्टी हरियाणा की है, यूपी की है, या कहीं और किसी और राज्य की पार्टी है, स्टेट की पार्टी है, तो फिर वो आपकी सेंट्रल में आती है। तो अभी मैं जो बिल कर रहा हूँ वो मेरी लोकल पार्टी है, तो मैंने लोकल आइटम वाइज किया था। और उसके बाद पार्टी को मैं यहाँ सर्च करता हूँ, तो मैंने यहाँ पार्टी सर्च किया, पार्टी मेरी आ गई है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे आपकी पार्टी आपका लेजर है ही नहीं, तो आप यहाँ पे कीबोर्ड से F3 का बटन प्रेस करके उस लेजर को भी आप बना सकते हैं, और लास्ट में जो भी डिटेल्स वगैरह है एंटर करते हुए आएंगे सेव हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको क्विट कर देता हूँ, मेरी पार्टी क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है, मैंने इस पर एंटर किया एंटर। अब यहाँ पे देखिए ये कर्जर आपका आइटम के पोर्शन पे आ चुका है, अब यहाँ पे आपको आइटम बताना है। तो मैंने एंटर किया और ये कोटेशन बना रहा हूँ मैं डिस्प्ले या हार्ड डिस्क 1 TB के लिए, और मैंने इस पे एंटर किया। मुझे यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर डालना है वो सारे ऑप्शन आते हैं, तो मैंने इसे स्किप कर दिया। यहाँ पे मैंने डाला कि हार्ड डिस्क में 20 का कोटेशन जो है जनरेट करके दे रहा हूँ और ये 3558 रुपए की हार्ड डिस्क है। एंटर किया हमने, GST वगैरह इस पे लग गया जो भी लगना होगा। उसके बाद हमने एंटर किया, फिर हमारा जो दूसरा आइटम है माउस वायरलेस, फिर हम माउस वायरलेस का भी ऑर्डर 50 पीस का डालते हैं और 100 रुपए का इसका माउस वायरलेस है, जो भी GST लगना GST लग गया इस पे। अब ऐसे ही मैंने एंटर किया, अब मान लीजिए इसमें वो आइटम नहीं है जो आप अभी यहाँ पे डालना चाहते हैं कोटेशन के टाइम पे, तो आप इंस्टेंटली आइटम को भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे F3 का बटन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो भी आइटम का आपके नाम है, जो भी आपका आइटम का GST ग्रुप, ये सब कुछ डाल के लास्ट में एंटर करके इसको सेव कर सकते हैं। जैसे ही आइटम सेव हो जाएगा तो आपको आपके आइटम के लिस्ट में यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इंस्टेंटली आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं, लेजर के टाइम पे, पार्टी के टाइम पे इंस्टेंटली पार्टी भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जो भी आप यहाँ पे क्रिएट करने आए कोटेशन में आपको वापस बैक करके जाना ना पड़े। तो दोस्तों ये चीजें क्लियर होगी। अब मान लीजिए मेरे से ये जो आइटम है ये गलती से यहाँ पे लोड हो गया, मुझे ये नहीं करना था सिर्फ 2 ही आइटम थे, तो इस लाइन को डिलीट करने के लिए मुझे कीबोर्ड से F9 का बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो मैंने F9 का बटन प्रेस किया और ये आइटम डिलीट हो गया। अब बिल को सेव करने के लिए मुझे क्या करना है, कीबोर्ड से या तो मैं F2 बटन प्रेस कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे एक सेव का बटन है आपको जो दिखाई दे रहा है, मैं सेव का बटन पे क्लिक कर सकता हूँ।
या फिर मान लीजिए आपको इस बिल में या जो कोटेशन आप बना रहे हैं किसी के लिए भी, अगर इसमें डिस्काउंट मेंशन करना है, जैसे 76,760 रुपये का जो है कोटेशन तैयार हो रहा है, मुझे अगर इसमें कुछ डिस्काउंट्स करना है तो यहाँ पे आपको आना होगा बिल सेंट्री के अंदर, माउस से क्लिक कर सकते हैं या टैब के बटन से आ सकते हैं, तो टाइप करेंगे डिस्काउंट, मैंने एंटर किया। अब डिस्काउंट में भी देखिए दोस्तों हमारे पे दोनों ऑप्शन है, अगर मुझे परसेंटेज में देना है तो मैं परसेंटेज में दे सकता हूँ, अमाउंट में देना है तो मैं अमाउंट में भी दे सकता हूँ, तो दोनों हमारे पे ऑप्शन है। अब मुझे जैसे कि परसेंटेज में देना है 5%, तो मैंने 5 लिख के एंटर किया और 5% के अकॉर्डिंग 3838 रुपये का इसका डिस्काउंट हो गया। उसके बाद आप सेव के बटन पे क्लिक करें और ये जो कोटेशन है आपकी सेव हो चुकी है। अब हम इसको स्केप करके क्विट करते हैं और इसका अगर आपको प्रिंट निकालना है तो मॉडिफाई पे क्लिक करें जाके एंटर, जो कोटेशन नंबर है वो डालें, ये आपको जो है दिखाई दे जाएगा। अब आपको कंट्रोल पी करना है और यहाँ सेल कोटेशन पे एंटर, जो आपके सामने कर्जर आया है आपको एंटर एंटर करके इसका प्रिंट लेना चाहे प्रिंट ले सकते हैं, प्रीव्यू करना चाहे प्रीव्यू कर सकते हैं। और ये जैसे कि हमारा पहला कोटेशन जनरेट हो रहा है तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका सबसे सामने आता है पहले, हमें कुछ नहीं करना है, इसको सेव करना है बस। देखिए दोस्तों ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो कोटेशंस, जो भी हमने यहाँ पे आइटम का सिलेक्शन किया था वो आइटम्स रेट HSN GST जो भी लगने होंगे वो सब कुछ यहाँ पे शो हो गए आपको। अब इस कोटेशन को कुछ भी अपडेट करना है तो मैं दोबारा से बताता हूँ, आप सेल में जाके मॉडिफाई पे ही जाएंगे और एंटर करके यहाँ कोटेशन का नंबर डालेंगे। अब मान लीजिए इसमें पार्टी ने जो है हमें ये बोला कि जो आपके माउस का रेट है वो ज्यादा है, मुझे थोड़ा सा माउस का रेट कम कर दो, या जो हार्ड डिस्क है वो 20 क्वांटिटी का ऑर्डर था लेकिन वो पार्टी कह रही है 15 क्वांटिटी का ही मैं ऑर्डर देना चाहता हूँ, या इस 15 क्वांटिटी के साथ में कोटेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली माउस से क्लिक करूंगा क्वांटिटी पे, इसको मैंने 15 किया और एंटर एंटर किया, मैंने इसको 15 कर दिया। उसके बाद फिर माउस के लिए जो है रेट ज्यादा है 100 रुपये, मैंने इसे कर दिया 70 रुपये, एंटर एंटर किया, इस पे जो GST लगना था जो भी होना था वो हो गया। और इसी के अकॉर्डिंग देखो पहले 3838 का डिस्काउंट बैठ रहा था सारे अमाउंट के साथ में, लेकिन अब 2864 का हो गया क्योंकि ऊपर की वैल्यू जो है कम हो गई है। अब ऐसे ही अगर डिस्काउंट बढ़ाना है घटाना है तो आप घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, और बिल को सेव करना है यानी कि कोटेशन को सेव करना है तो यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये कोटेशन सेव हो गई है। अब दोबारा से एंटर एंटर करके मैं इसका प्रिंट लेना चाहूँ तो कंट्रोल पी करके मैं इसका प्रिंट ले सकता हूँ, एंटर एंटर किया मैंने और यहाँ प्रीव्यू देख लेते हैं हम। ये देखिए जो क्वांटिटी अपडेट करनी थी वो क्वांटिटी अपडेट होगी, जो हमारे प्राइजेस थे रेट थे वो रेट अपडेट हो गए, और यहाँ पे जो बिल 76 समथिंग का कुछ बना था अब बन रहा है 54,425 रुपये का, तो यानी कि हमारी कोटेशन जो है वो अपडेट हो गई है। और अगर मुझे इस कोटेशन को डिलीट करना है या फिर मुझे इस कोटेशन को कुछ लाइनें डिलीट करनी है तो आपको पता है F9 से कर सकते हैं, पूरा कोटेशन ही हमें डिलीट करना हो तो उसके लिए आप कीबोर्ड से F8 का बटन प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे माउस से क्लिक करके इस कोटेशन को डिलीट कर सकते हैं पूरा का पूरा। तो दोस्तों ये भी क्लियर हो गया कैसे आपका कोटेशन करेक्शन होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, ये भी क्लियर हो गया आपको। और लिस्ट निकालनी है तो लिस्ट निकाल सकते हो कि आज दिन में मैंने कितने कोटेशंस बना दिए हैं, या इस डेट से लेकर इस डेट तक मैंने कितने कोटेशन जनरेट कर दिए। वैल्यू में भी आपको नीचे टोटल दिखाई दे जाएगा, क्वांटिटी टोटल दिखाई दे जाएगी, सब कुछ यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको क्लियर हो पाया होगा कि कैसे हमें कोटेशन को इनेबल करना है, कैसे हमें उसे यूज करना है, और कैसे हम उसको मॉडिफाई कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे, कैसे हम उसकी रिपोर्ट देख पाएंगे, तो ये सारी चीज आपकी इसमें क्लियर हो गई है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।